हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बतंकुर में। सबसे पहले 12 नवंबर की बात करें तो 12 नवंबर में एसपीआई क्लर्क प्री का एग्जाम काफी अच्छा देखने को मिला था। बहुत अच्छे अटेम्प्ट एसपीआई क्लर्क प्री के पहले दिन देखने को मिले थे स्टूडेंट्स के। आज एसपीआई क्लर्क प्री का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की जो पहली शिफ्ट की शुरुआत है ये भी काफी बेहतरीन देखने को मिली है। आज पहली शिफ्ट में बहुत अच्छे अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के देखने को मिले हैं। अगर हम पूरे एग्जाम की बात करें तो टॉपिक्स वही हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ही बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से थोड़े से कम क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं तो वही दूसरी शिफ्ट में उसी टॉपिक से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो वही आपका इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, लीनियर अरेंजमेंट हो गई, बॉक्स बेस पजल हो गई, उसके बाद हाइट स्कोर वाली आपकी अरेंजमेंट हो गई, फ्लैट फ्लोर हो गया, ठीक है। वहीं हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रीडिंग पोर्शन उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसके अलावा भी स्कोरिंग जो आपका पोर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। जैसे पैसेज में वोकैब और फिलर हो गया, एरर डिटेक्शन हो गई, उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आपका वर्ड एक्सचेंज या वर्ड स्वैप हो गया, किसी किसी शिफ्ट में फ्लड्स भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन का वेटेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। किसी शिफ्ट में 10 सिंप्लीफिकेशन तो किसी शिफ्ट में 12 तो किसी शिफ्ट में 13 से 14 सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपका किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आ जाता है तो किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज आ रही है। उसके बाद आपका DI हो गई और आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए। अब देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस तो आपको कैलकुलेटिव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है उनका कम समय में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है। फिर भी क्वांट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के थोड़े से अच्छे ही अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। मैंने हर शिफ्ट का पोल भी कंडक्ट कराया है। 80+ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट बनाकर आ रहे हैं। अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 75+ अगर आपके अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल अच्छे अटेम्प्ट हैं। वहीं अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 80+ में अगर आप जिन स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट हो गए हैं एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपने किसी भी स्टेट से अप्लाई क्यों ना किया हो। बाकी जिनका एग्जाम आज पहली शिफ्ट में हो गया है या 12 नवंबर में हुआ था तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके टोटल अटेम्प्ट क्या रहे थे, सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट रहे थे और SPI क्लर्क आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।